हेलो एंड वेलकम टू द शो। आज की वीडियो में ना मैं खाने वाला हूँ बड़े दिनों बाद सम ऑथेंटिक मुगलाई फूड। यार सच्ची बताऊँ, बाहर जाने का ना मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था यार। आज मूड ये कर रहा था यार किसी बढ़िया जगह से ना ऑथेंटिक मुगलाई खाना मंगाया जाए, वो जूसी वो मसालेदार मुगलाई फूड। तो आज भाई हो जाए मुगलाई फूड का मकमांग। यार अभी ना मैं जोमैटो सर्च कर रहा था एंड आई केम अक्रॉस दिस प्लेस कॉल्ड खाइबर भट्टी। And guess what? They have ran and they have chapli kebabs. मुझे अच्छे से याद है, दो तीन videos पहले ना मुझे chapli kebab खाने थे for that video और मुझे मिले नहीं थे कहीं Delhi में। And finally I can see chapli kebab. भाई let me call them इनसे ना एक बार पूछ लेता हूँ available है भी या नहीं। Hello. Hello, Khyber Bhatti से बोल रहे हैं? Yes sir. Actually मुझे पूछने आपके पास वो ran और chapli kebab available हैं? Sir वैसे तो ran on demand होती है, लेकिन अभी available हो जाएगी। अच्छा तो दोनों चीज़ें हो जाएंगी ना? यस सर। ओके तो ये आपकी जो चपली कबाब है उसकी प्रिपरेशन कैसे होती है? सर मेनली आपकी ट्रेडिशनल रेसिपीज में पूरी मेड अप होगी। अच्छा आप ऑर्डर करिए आपको अच्छा लगेगा। अच्छा तो फ्लेवर्स वगैरह लाइक मज़ा आएगा ना? यस सर। ओके ठीक है तो जोमैटो से मैं ऑर्डर कर दूंगा तो अवेलेबल सब कुछ मिल जाएगा ना, आ जाएगा ना सब कुछ? ऑलराइट थैंक्स। अब टास्क ये था कि इनके मेन्यू में से ना मुझे कुछ बढ़िया सा ऑर्डर करना था और काफी एक्सप्लोर करने के बाद आई फाइनली ऑर्डर ढेर सारा फूड। यार खाना मैंने ऑर्डर कर दिया था और बड़ी देर से ना अब जोमैटो वाले भैया की वेट हो रही है। वैसे अभी अभी मुझे भैया का फोन आया था, भैया ही होंगे। आ गया भाई खाना खाने। Guys, this is what I was talking about. मतलब आज मेरा सुबह से ही मन था मैं बहुत सारा खाना ऑर्डर करूं और भाई I just wanted to like dive in. मतलब अंधा खाने का मन था आज तो मेरा। And finally, भाई look at this ran यार, ये मैंने आज तक कभी नहीं खाया and I never expected that ये इतना juicy लगेगा दिखने में। भाई साहब इसके ऊपर marination इन्होंने बहुत मस्त करके दी हुई है। And पता है क्या, मेरे पास खूब सारा खाना है। I think मैं आपको पहले बताता हूँ मैंने ऑर्डर क्या क्या किया है। This is the पेशावरी चपली कबाब, the मलाई चीज टिक्का, the बिहारी मुर्ग टिक्का, this is ran ए खाइबर। नहीं रुका जा रहा था यार मुझसे, मुझे बाइट लेनी थी यार। मोरादाबादी चिकन बिरयानी एंड लास्टली the बटर चिकन कुलचा। हाँ भाई एकदम मैंने सही बोला, बटर चिकन कुलचा। मतलब मैंने इमेजिन नहीं किया था बटर चिकन का कुलचा भी बन सकता है। सो मतलब मेरे को जो भी सामने मेरे आता है ना मेरा मन कर जाता है उसकी एकदम बाइट ही ले लूं मैं। बट आज ना तरीके से गेम शुरू करेंगे। तो स्टार्टर्स में ना भाई मेरे को यार ये चपली कबाब ना बहुत समय से ट्राई करना था, यू गाइस नो, और मुझे कहीं भी नहीं मिला था। एंड फाइनली टुडे दी पेशावरी चपली कबाब। तो इन्होंने ना मुझे 5 चपली कबाब भिजवाए हैं और उसके नीचे एक ना खास ब्रेड है। वैसे मैंने जितने भी स्टार्टर्स मंगवाए हैं इनफैक्ट रान के नीचे भी इनकी यही सेम वाली ब्रेड है। सो आई थिंक आई एम सपोज टू ईट इट विद दिस ब्रेड। ऑलराइट लेट्स मेक अ बाइट। एंड यार ये चपली कबाब ना मटन के इन्होंने बनाए हैं। फाइनली आई एम गोना ट्राई द चपली कबाब विद सम ग्रीन चटनी। ओहो भाई साहब भाई द फ्लेवर ये ना, आई मीन इसके अंदर कुछ ज्यादा मसाले वसाले नहीं है बट जितना भी इन्होंने थोड़ा बहुत फ्लेवर डाला है ना इट्स लाइक इट्स वेरी यूनिक। आई मीन इन चपली कबाब को ना लिटरली मजा आ जाएगा अगर इसका बर्गर बना के खाया जाए तो। भाई वैसे दीज आर वेरी यूनिक। आई थिंक मैं यार इसकी एक बाइट और लूंगा। ये भाई मतलब मेरे को लिटरली ये बहुत समय से खाने का मेरा इनका मन था। इनफैक्ट उस वीडियो में भी मैं उस खा नहीं पाया था चपली कबाब एंड जब मैं फाइनली आज खा रहा हूँ ना, ओहो मैन दिस वाज ऑसम। भाई चपली कबाब वर एकदम हिट। और अब ना ट्राई करते हैं बिहारी मुर्ग टिक्का। यार मैं इसका सीन बताता हूँ आपको, दिस इज एक्चुअली अ वेरी प्रोमिनेंट इंडियन पाकिस्तानी डिश और इस मतलब इस टिक्को को ना बनाने के लिए दे यूज अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द चिकन। तभी अगर आप देखोगे तो ये टिक्के थोड़े मोटे मोटे लग रहे हैं एंड इसकी जो मैरिनेशन है ना दैट्स व्हाट मेक्स दिस डिश वेरी यूनिक।
और इसके ऊपर मैं डालूंगा थोड़ा सा लेमन, और फिर मैं तोड़ूंगा इसकी थोड़ी सी नीचे से रोटी, और फिर मैं बनाऊंगा इसकी बोटी, और फिर मैं लेट्स टेक राइड इनटू इट करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल द चिकन इज सो टेंडर, लिटरली भाई मैंने इतना सॉफ्ट चिकन ना बड़े समय से नहीं खाया, और ऊपर से जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, द मैरिनेशन मेक्स दिस चिकन टिक्का यूनिक। भाई सच में इसकी मैरिनेशन बहुत डिफरेंट है। आई मीन इसके अंदर आई कैन टेस्ट लिटिल बिट ऑफ हल्दी, इसके अंदर मतलब योगर्ट वगैरह बहुत चीज़ें उन्होंने डाली होंगी, देन आई थिंक कम कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दोज थिंग्स कॉन्ट्रीब्यूटेड टू दिस फ्लेवर। एंड भाई सही है यार, मतलब मैं बड़े समय से या तो नॉर्मल टिक्का खा रहा था या फिर वो मलाई टिक्का खा रहा था, फाइनली मैन आई गॉट सम न्यू फ्लेवर्स इन टिक्का। एंड आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड आइडिया कि नीचे इन्होंने ब्रेड रखी हुई है अपने सारे स्टार्टर्स के, और इससे पता होता गया द जूस ऑफ द चिकन या फिर जो भी स्टार्टर्स हैं वो ना ये ब्रेड ऑब्जॉर्ब कर लेती है, और उसके साथ फिर खाने में बड़ा मजा आता है। ये वाली जो डिश है ना, ये थोड़ी फ्यूजन डिश है, दिस इज मलाई चीज टिक्का। मैंने सोचा यार, मतलब मलाई टिक्का का मैं वैसे बहुत बड़ा फैन हूँ, तो मैंने सोचा यार चलो ये भी साथ में आज ऑर्डर कर ही देते हैं। आई टोल्ड यू यार, मैं आज आई वाज लाइक आई एम गोइंग ऑल इन, भाई आज तो फोड़ना है भाई मुझे अच्छे से। वैसे इसके अंदर ना यार लिटरली वो अपनी मलाई टिक्के वाली वाइब्स आ रही है मुझे। आई थिंक दे हैव टॉप्ड दीज टिक्के विद चीज। ओह भाई, आई कैन टेस्ट सम चीज इन इट, दिस इज अ नाइस ट्रिक भाई। मलाई टिक्के में हल्का हल्का चीज डालो भाई, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। एक बात तो है, इनके भाई जो टिक्के हैं ना बहुत सॉफ्ट हैं यार, वेरी टेंडर। और पता है क्या, जितनी भी डिशेज है ना, इन्होंने हर डिश के साथ एक ये प्री मिक्स पैकेट भिजवाया है। आई मीन दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री, और लेट्स मेक दिस। काला खट्टा मिक्स। वैसे इसके अंदर अगर सोडा डालो तो ज़्यादा मज़ा आएगा, उन्होंने इनफैक्ट लिखा भी है अपने पैकेट पे कि इसके अंदर सोडा डालो, बट मेरे पास सोडा है नहीं। आई मीन देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, बट अब मुझसे ना रुका नहीं जा रहा था, मुझे वो रान खाना है, तो इसकी सिप लेते हैं, देन लेट्स जंप टू द रान। ओह आई थिंक इसके अंदर यार थोड़ा सा मैं नींबू डालूँ ना, फ्लेवर बढ़िया आ जाएगा। नाइस, नाउ लेट्स ट्राई द रान ए खैबर। मैं आपको इसका पूरा सीन बताता हूँ। तो देखो, रान नाम एक्चुअली गोट की टांग के कुक्ड मीट को बोलते हैं, तो दिस सीम्स टू बी गोट की टांग की हड्डी, एंड ये सारा मीट है, और इसके साथ ना इन्होंने एक ग्रेवी भी भिजवाई थी जो कि मैंने इसके ऊपर डाल दी है। एंड ऑल्सो लुक एट दिस मटन, दिस सीम्स टू बी लाइक इसके ऊपर मसाले बहुत डाले होंगे यार इन्होंने। एंड मैंने इंटरनेट पे पढ़ा था एक्चुअली इसको बनाने के लिए ना इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, मतलब घंटों वगैरह लग जाते हैं, और भाई रान मुझे नहीं लगता कहीं मिलता भी है। ऑल्सो आई थिंक दे आर दी ओनली ब्रांड हु आर डिलीवरिंग रान, सो भाई देख लो, ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। एंड लुक एट दिस टेंडर मीट। ऑलराइट, मुगलाई फूड is all about marination and spices. That's what Mughlai food makes Mughlai food. Seriously, bhai. Agar bhai marination वगैरह अच्छी की है ना, तो भाई जो स्वाद आता है ना इनके खानों का, उफ। यार एक ऑनेस्ट बात बताऊँ, मुझे लगा था रान में ना थोड़ी सी ग्रेवी भी आती है। आई डिड नॉट नो कि रान को ऐसे सर्व करते हैं, दैट्स द रीज़न मैंने ये बटर चिकन कुल्चा भी साथ में ऑर्डर किया था। बट इट्स ओके भाई, मतलब जैसे ही मैंने बटर चिकन कुल्चा देखा था ना, आई वॉज लाइक कि भाई ये तो ऑर्डर हो रहा है, फॉर श्योर हो रहा है। लुक एट द फिलिंग भाई, मुझे पता है क्या लग रहा है, इन्होंने वो कुल्चे के अंदर बटर चिकन होता है ना, बस वो स्टफ करके उसको फिर पका पको के सर्व किया है। यार ये कुल्चे की ना ब्रेड भी अलग यूज़ की हुई है, आई थिंक दिस इज द सेम मटेरियल जिससे इन्होंने ये खास ब्रेड बनाई है। लिटिल लिटिल बटर चिकन का फ्लेवर तो आ रहा है इसमें से। लेट्स ट्राई दिस बटर चिकन कुल्चा विद चपली कबाब। भाई कुछ भी कह लो, चपली कबाब मेरे फेवरेट है, लिटरली मेरा दिन बना दिया इन्होंने। और भाई क्या खुशबू हो रही है मेरी इस समय कमरे में, मैं आपको बता नहीं सकता, लिटरली आपको यहाँ आना पड़ेगा, और मेरी कमरे की ना
खुशबू वाली वाइब्स चेक करनी पड़ेंगी। फाइनली इनकी हांडी बिरयानी ट्राई करें। वैसे यार बिरयानी का चिकन बड़ा सॉफ्ट होता है और इनका चिकन तो पता नहीं एक्स्ट्रा सॉफ्ट ही लगा मुझे। ऑलराइट लेट्स ट्राई इट। ये ना इन्होंने रायता साथ में भिजवाया है, रायता के साथ बहुत अच्छी लगेगी। क्या ऑन पॉइंट फ्लेवर्स आ रहे हैं बिरयानी के। इसके बाद ना जब मैं रैप अप कर लूंगा सब कुछ, मैं अपने रूम में जाऊंगा, नेटफ्लिक्स ऑन करूंगा और भाई नेटफ्लिक्स देख के पूरी बिरयानी खत्म करूंगा यार। मेरे हिसाब से इनके चपली कबाब और बिहारी कबाब भाई मस्ट ट्राई हैं। कर लो ट्राई, पक्का बता रहा हूँ, 100% श्योर यू वॉन्ट रिग्रेट इट, आई कैन वाउच फॉर इट। जो मुझे कॉमेंट्स में लिखते हैं ना कि यार आप जगह का नाम नहीं बताते और आप प्राइजेस नहीं लिखते, तो भाई डिस्क्रिप्शन में सब कुछ है, जगह नाम के मैंने लिंक भी डाल दिया है, प्राइजेस वगैरह आपको सब मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप जोमैटो और स्विगी से ऑर्डर कर सकते हो, दे हैव देयर कवरेज ऑन बोथ जोमैटो एंड स्विगी। एंड मैंने आपको बता दिया अपनी रिकमेंडेशन, चपली और बिहारी कबाब, ये तो भाई ट्राई करने हैं आपको। ठीक है, एंड अब यार समेटना पड़ेगा यार सब कुछ मुझे, खाने को ना मैं नीचे लेके जाऊंगा एंड आई एम गोना हैव दिस दावत विद माय फैमिली। और मैं आपसे मिलता हूँ जल्दी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड हैप्पी ईटिंग।